सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर दें लेटेस्ट अपलोडेड न्यू वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। आज हम 22 सितंबर के करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सभी प्रश्नों को हम डिटेल में पढ़ेंगे और उनसे जुड़े हुए इंपॉर्टेंट पॉइंट भी जानेंगे। सभी प्रश्न सिलेक्टरी तथा कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। इस वीडियो की पीडीएफ लेने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें तथा इसका ऑडियो सुनने के लिए हमें कबरी पर फॉलो करें। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह आ गए हैं। मैं आपके लिए लगातार डेली करंट अफेयर्स की वीडियो लाते रहूंगा। यह वीडियो सभी प्रतियोगी परीक्षा के उद्देश्य से बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें। तथा फ्रेंड, मैंने वीडियो के अंत में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है और उसका राइट आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के स्टार्टिंग में दे दूंगा। पिछले वीडियो में मैंने आपसे पूछा था मोबीक्विक के नए को फाउंडर एंड सीईओ किसे नियुक्त किया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बीपी चंद्र जोशी। मोबीक्विक के नए को फाउंडर एंड सीईओ बीपी चंद्र जोशी को नियुक्त किया गया है। वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाल ही में उच्च शिक्षा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन पर विजिटर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रामनाथ कोविंद। उच्च शिक्षा के राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन पर विजिटर सम्मेलन का उद्घाटन रामनाथ कोविंद ने किया है। इस क्वेश्चन के इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लीजिए। वर्तमान में रामनाथ कोविंद हमारे भारत के राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रांड्स टॉप 75 मोस्ट वैल्यूएबल इंडिया ब्रांड्स रैंकिंग 2020 में कौन सा बैंक शीर्ष पर रहा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, HDFC बैंक। ब्रांड्स टॉप 75 मोस्ट वैल्यूएबल इंडियन ब्रांड्स रैंकिंग 2020 में HDFC बैंक शीर्ष पर रहा है। इस क्वेश्चन के इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लीजिए। टॉप 3 देश, पहले पे HDFC है, दूसरे पे LIC है, तीसरे पे TCS कंपनी है। HDFC इसका फुल फॉर्म होता है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना अगस्त 1994 में हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है, अध्यक्ष CM वासुदेव है, प्रबंध निदेशक आदित्य पुरी है, MD एंड CEO शशिधर जगदीशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में देश की सबसे बड़ी फिल्म सिटी किस शहर में स्थापित की जाएगी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नोएडा। देश की सबसे बड़ी फिल्म सिटी नोएडा शहर में स्थापित की जाएगी। नोएडा शहर के बारे में जानकारी देख लीजिए। नोएडा भारत में दिल्ली से सट एक उपनगरीय क्षेत्र है जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसका आधिकारिक नाम गौतम बुद्ध नगर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य सरकार ने बाला साहब ठाकरे के नाम पर दुर्घटना बीमा योजना को शुरू किया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य सरकार ने बाला साहब ठाकरे के नाम पर दुर्घटना बीमा योजना को शुरू किया है। इस क्वेश्चन के बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लीजिए। बाला साहब ठाकरे शिवसेना के संस्थापक हैं। दुर्घटना बीमा योजना का मुख्य उद्देश्य दुर्घटना से पीड़ित लोगों को अस्पताल में इलाज के लिए 30,000 रुपए दिए जाएंगे। महाराष्ट्र के बारे में जानकारी देख लीजिए। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी, मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता। लोकसभा में सीट 48, राज्यसभा में 19 और विधानसभा की सीटें 288। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में NTRO के नए प्रमुख कौन बने हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनिल धस्माना। NTRO के नए प्रमुख अनिल धस्माना बने हैं। NTRO इसका फुल फॉर्म हो जाएगा नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसको हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन। इसकी स्थापना हुई थी 2004 में। यह भारत की एक तकनीकी खुफिया एजेंसी है। इसके संस्था कार्यपालक हैं SC झा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हवाई उड़ान के दौरान फ्री वाईफाई इंटरनेट सेवा देने वाली भारत की पहली कंपनी कौन सी बन गई है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विस्तारा। हवाई उड़ान के दौरान फ्री वाईफाई इंटरनेट सेवा देने वाली भारत की पहली कंपनी विस्तारा बन गई है। विस्तारा कंपनी के बारे में जानकारी देख लीजिए। विस्तारा भारत की एयरलाइन कंपनी है। इसकी स्थापना 2013 में हुई थी। मुख्यालय गुड़गांव हरियाणा में है। इसके अध्यक्ष भास्कर भट्ट हैं, CEO लेसी थंग हैं, पेरेंट कंपनी टाटा सन।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस बैंक ने उभरते उद्यमी व्यवसाय नामा एक नया वर्टिकल स्थापित किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बंधन बैंक। बंधन बैंक ने उभरते उद्यमी व्यवसाय नामक एक नया वर्टिकल स्थापित किया है। बंधन बैंक के बारे में जानकारी देख लीजिए। बंधन बैंक भारत की एक बैंकिंग एवं वित्तीय सेवा कंपनी है। इसका मुख्यालय जो है कोलकाता पश्चिम बंगाल में स्थित है। इसकी स्थापना 23 अगस्त 2014 को हुई थी। इसके चेयरमैन अशोक लिहारी हैं, प्रबंधक निर्देशक और मुख्य प्रभाग अधिकारी जो है वो चंद्रशेखर घोष है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेड कप का नाम बदलकर क्या रखा जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिली जिन किंग। फेड कप का नाम बदलकर बिली जिन किंग रखा जाएगा। फेड कप के बारे में जानकारी देख लीजिए। इसकी स्थापना 1963 में हुई थी। यह टेनिस खेल के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस देश में बलात्कारों की वजह से राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लाइबेरिया। लाइबेरिया देश में बलात्कारों की वजह से राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया है। इस क्वेश्चन के इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लीजिए। बलात्कार की बढ़ती हजारों घटनाओं का विरोध होने के बाद लाइबेरिया देश में यह कदम उठाया गया। लाइबेरिया के बारे में जानकारी देख लीजिए। लाइबेरिया अफ्रीकी महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी मोनरोविया है। राष्ट्रपति जॉर्ज वाई है और इसकी करेंसी लाइबेरियन डॉलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व अल्जाइमर दिवस कब मनाया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 21 सितंबर। 21 सितंबर को विश्व अल्जाइमर दिवस मनाया गया है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए। यह दिवस अल्जाइमर रोग और डिमोशिया के बारे में जानकारी प्रसारित करने के लिए मनाया जाता है। 1906 में जर्मनी के न्यूरोलॉजिस्ट इलोइस अल्जाइमर ने इस बीमारी का पता लगाया था और इन्हीं के नाम पर इस बीमारी को अल्जाइमर कहा जाता है। अल्जाइमर एक मस्तिष्क रोग है। यह मस्तिष्क की कोशिकाओं को नष्ट कर देता है जिसके कारण याददाश्त में कमी और परिवर्तन, अनियमित व्यवहार तथा शरीर की प्रक्रियाओं को नुकसान पहुंचता है। सितंबर माह के कुछ इंपोर्टेंट डे हैं, उनके बारे में आपको रिविजन करा देता हूं। 1 से 7 सितंबर को राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जाता है। 2 सितंबर को नारियल दिवस मनाया जाता है। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस जो कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती पर मनाया जाता है। 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे मनाया जाता है और 15 सितंबर को लोकतंत्र का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है और 16 सितंबर को संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 21 सितंबर को अल्जाइमर दिवस मनाया जाता है और शांति और अहिंसा के लिए दिन मनाया जाता है। 22 सितंबर को रोज डे मनाया जाता है कैंसर रोगियों का कल्याण के लिए। 23 सितंबर को सांकेतिक भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 26 सितंबर को डे ऑफ डे दिवस मनाया जाता है और विश्व गर्भ निरोधक दिवस मनाया जाता है। 27 सितंबर को विश्व पर्यटक दिवस मनाया जाता है और विश्व समुद्री दिवस भी मनाया जाता है। 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है। 30 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस मनाया जाता है। सितंबर का चौथा रविवार को विश्व नदी दिवस मनाया जाता है। जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था, एक क्वेश्चन आपके लिए रहेगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है और इसका जो राइट आंसर रहेगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के स्टार्टिंग में दे दूंगा। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्न में से किस देश ने विश्व की पहली बायोनिक आंख तैयार की है? इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें। जो क्वेश्चन आपसे पूछा उसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखें। इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा आपका कोई सजेशन हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें।